शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार संयुक्त रूप से प्रयासरत है, लेकिन फिर भी जो है शिक्षा का स्तर वही के वही बना है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के ग्रामीण अंचल में शिक्षा व्यवस्था की, जो कि भगवान भरोसे चलती नजर आ रही है। ताजा मामला शासकीय माध्यमिक शाला रामगढ़ का है, जहां पर लगभग एक दर्जन शिक्षक तो पदस्थ है, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से कोई नहीं कर पा रहा। जहां एकमात्र शिक्षक 10:30 के पहले स्कूल पाए गए, जबकि बाकी सभी शिक्षक 10:30 बजे स्कूल आते पाए गए। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य वृंदावन अहिरवार से कैमरे पर कुछ भी बोलने से जो है वो बचते नजर आए। दूसरी ओर शिक्षिका शैलजा खरे, संगीता तिवारी सहित शिक्षक सुरेंद्र कुमार द्विवेदी, अवध किशोर असाटी, राजेंद्र सिंह यादव स्कूल में 10:30 बजे के बाद पहुंचकर अपनी मनमर्जी से शैक्षणिक कार्य करने में लगे हुए। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पदस्थ शिक्षकों में एक या दो शिक्षक ही समय पर शाला आते हैं, बाकी सब लेट लतीफी से स्कूल आते हैं। और वही पूरे मामले में DPCRP लखेरे ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सात टीचर में से सिर्फ आप पदस्थ टाइम पे आए हैं, बाकी अभी तक नहीं आ पाए। 11:30 बज गया ठंडी की वजह से, देरी का है। हम देरी 10:30 बजे निकलते हैं, 10 बजे निकलते घर से तो याद आते हैं, 10:30 के ऊपर आ जाते हैं। आपके यहाँ कितने टीचर पदस्थ? मेरे यहाँ पर 4 टीचर हैं। तो अभी कितने उपस्थित हैं? अभी मैं उपस्थित हूँ, अभी 3 टीचर कोहरे और ठंड। कौन कौन 3 टीचर हैं? श्री अंजनी कुमार शुक्ला जी और श्रीमती कविता पटेल जी और श्रीमती प्रतिभा शुक्ला। उसकी जांच करवा लेते हैं और जो लोग भी विलंब से आए थे या नहीं आए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर वो वैधानिक छुट्टी पर नहीं होंगे तो वेतन काटी जाएगी। अच्छा, यहाँ कितने टीचर पदस्थ हैं लगभग? यहाँ कोई 10 मारा थे। 11 टीचर? हाँ, दोनों विद्यालय में मिला। हाँ। कितने उपस्थित होते हैं यहाँ? टाइम से आते हैं, अजीत सर भी आते हैं और एसआरटी जी भी आते हैं और कोई भी सर नहीं आते हैं। अभी एक तोमर साहब तो सबसे पहले आए थे। तोमर साहब कोई दिखा नहीं रहे? अरे हाँ। अच्छा, हाँ। तोमर साहब प्राइमरी में है, वो सबसे पहले आए थे। जब मैं स्कूल के अंदर आया था तभी वो आ गए थे 10:30 बजे। अच्छा।